विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गांगवा ने कहा है कि हरियाणा में कि सरकार की मानो तो किसानों के साथ खड़ी है और अगर किसी तरह का कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई है तो सरकार संवाद के जरिए से सुलझाने का काम करेगी। हिसार में रणबीर गांगवा से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार। हरियाणा में किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के आमने सामने हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गांगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली में जो कुछ हुआ, लाठीचार्ज की घटना सामने आई, उसके बाद किसानों ने एक तरीके से ये कह दिया कि हरियाणा के तमाम जिलों में धरना भी वो देंगे, सड़कें भी वो रोकेंगे और उसके बाद आर पार की लड़ाई की तैयारी भी वो कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का पक्ष किस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और हर वो कदम उठा रही है जो किसान के हित के अंदर हो, वो तमाम कदम उठाने का काम कर रही है। ये जो पिपली के अंदर जो हुआ है, ये इसके जांच का विषय है। सरकार ने जांच के आदेश इसके दे दिए हैं और सरकार हर तरीके से किसानों के साथ है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए भी जो है सरकार जो है प्रतिबद्ध है। अच्छा, वो एमएसपी की बात है, अच्छे और जो दूसरी सहूलियतें जो देने की बात है उनके लिए प्रतिबद्ध है। किसान दोटू की बात करें कि आप आय दोगुनी करने की बात करते करते खर्चा दोगुना कर दिया और एमएसपी पर जो फसलें हैं वो अपनी नहीं बेच पाए, ऐसे में अगर तीन अध्यादेश लेकर आए तो चौथा भी लेकर आइए जिसमें एमएसपी पर जो सुनिश्चित किया जाए और अगर खरीद को सुनिश्चित किया जाए, नहीं होगा तो वो अपराध बना दिया जाए। निश्चित रूप से जो भी एमएसपी के ऊपर खरीद भी की जाएगी और जिन फसलों पर, चाहे वो सब्जियों की फसलें हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, जिन पे एमएसपी पे खरीद नहीं होगी उन पे जो बाज़ार रेट पे अगर किसान बेचेगा तो भावांतर भरपाई के तहत किसान का जो नुकसान है वो पूरा करने का काम सरकार करेगी और इसके लिए तमाम जरूरी कदम जो उठाए जा रहे हैं। भावांतर भरपाई योजना का सच सामने आ चुका है, दो दो रुपये का जो अंतर है वो सामने आया है, तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई राहत भरपाई योजना के तहत किसान को नहीं पहुँच पाई? ये भाषा तो केवल विपक्षी पार्टियों की मैं कह सकता हूँ कि वो बोलते हैं, आप प्रेस के साथी हो, आप उसको पूरी जानकारी लें। अभी चाहे वो अभी सरसों की खरीद हुई, रिकॉर्ड खरीद हुई, आज तक कभी भी नहीं हुई। और जहाँ जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीद की तो जब सरसों निकली थी उस टाइम 3600-3700 रुपये रेट थे, उसके बाद में जब खरीद शुरू कर दी गवर्नमेंट ने तो मार्केट रेट भी उसका जो ज़्यादा हो गया। यानी हर तरीके से एमएसपी पे उनको पूरा खरीद करने का काम किया और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ था उनकी भी अच्छा रेट उनको मिला, क्योंकि सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसका जो है पूरा खरीदने का काम किया। सरकार ने गाँव के अंदर अटल सेवा के अंदर CSC सेंटर है, वहाँ जाकर के किसान अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, अपनी फसल का ब्यौरा दे, सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। किसान आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या संवादहीनता की स्थिति नहीं पैदा हो चुकी? नहीं, किसानों से संवाद लगातार जारी है। किसानों के प्रति सरकार, मैंने जैसे पहले कहा, बहुत गंभीर है। किसानों से संवाद भी करेंगे और जो उनकी समस्या है उसको दूर भी करेंगे और कहीं कोई उनको अगर किसी ने बहकाने का काम किया तो तमाम जो भ्रांति है उनको भी दूर करने का काम करेंगे। आप ही के इलाके के साथ लगते इलाके के जो किसान हैं वो साफ ये कह रहे हैं कि फसलें तमाम बर्बाद हो चुकी हैं, ऐसे में स्पेशल गिरदावरी की मांग सरकार के सामने वो रख रहे हैं और आज से जन आंदोलन की शुरुआत भी बालसमंद के इलाके से कर दी गई। सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है, ACS को भी और DC मैडम को भी सरकार की तरफ से आदेश भी हो गए हैं। अभी जो स्पेशल गिरदावरी होगी और जो भी नुकसान किसानों को हुआ है उसकी भरपाई सरकार करने का काम करेगी। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साफ तौर से डिप्टी स्पीकर रणबीर गांगवा ये कह रहे हैं कि हिसार के इलाके में जो तमाम फसलें बर्बाद हुई हैं उनकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और किसानों को मुआवजा देने का काम भी वो करेंगे। जहाँ तक किसानों से आर पार की लड़ाई के हालात का सवाल है तो रणबीर गांगवा साफ ये कह रहे हैं कि संवाद वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से किया जा रहा है और किसी भी तरीके से किसानों के हित पर कोठाराघात सरकार नहीं होने देगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।